अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही झटपट सी बनने वाली मेथी, पालक, सोया और आलू के साथ बनने वाली सब्ज़ी की रेसिपी। और ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही झटपट सी बन जाती है। चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पालक ली हूँ। पालक आप जितना चाहिए उतना ले सकते हो। अब यहाँ पर एक दो बंच जितने यहाँ पर लेंगे ये सोया, ये सोए की भाजी है, इस तरह से आती है। और दो आलू लिया मैंने और मेथी की भाजी ले लेंगे यहाँ पे। ये मैंने मेथी की भाजी ली हूँ इस तरह से। और इसको हम लोग बारीक से इसको काट कर ले लेंगे। अभी इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है सब भाजी को, और आलू को काट के इसको पानी में रख दिया है। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको बनाने के लिए एक बड़ा सा कढ़ाई लेंगे, उसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच जितना ऑयल। अब इसमें बघार देने के लिए इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच ज़ीरा और क्रश किया हुआ लहसुन। ये 12 से 15 मैंने लहसुन लिया है। मैंने लहसुन का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इसमें, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है। अब इसमें डाल देंगे 2 बेड़ की मिर्ची, इसको आप कट करके भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको 1 मिनट के लिए भून लिया है। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज को, इसको इस तरह से मैंने स्लाइस में कट कर कर ली हूँ। ये बड़ा प्याज है, छोटे प्याज हो तो आप 2 प्याज ले लेना। अब इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे प्याज को। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर बारीक से चॉप करके, और 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, और 1/2 चम्मच जितना नमक डाल देंगे ताकि ये टमाटर जल्दी से गल जाए। अब इसको टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम लोग उसको पका लेंगे, 2 से 3 मिनट इसको पका लेंगे। अब ये टमाटर भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़े की लगती है। अब यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे आलू कटे हुए, इसका पानी निकाल दिया मैंने। अब इसको ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। गैस का फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और इसको 2 मिनट तक इसको आलू को भून लेंगे। 2 मिनट इसको भून लेने के बाद अब यहाँ पर इसमें ऐड कर लेंगे ये सब भाजी को, ये सोया है, मेथी की भाजी है और पालक। इसको इस तरह से मैंने बारीक से चॉप कर ली हूँ। अब इन सबको डालने के बाद अब यहाँ पर गैस का फ्लेम को हाई करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन भाजी को इन मसालों के साथ में मिक्स कर लेंगे। ये 1 मिनट में अभी सॉफ्ट हो जाएगा ये सब भाजी, इसका पानी छोड़ने लगेगा। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ देखिए ये भाजी अपना पानी छोड़ दिया है। अब यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे थोड़े से पाउडर मसाले। यहाँ पर मैंने ये 1/2 चम्मच जितना हल्दी ली हूँ, और 1/2 चम्मच जितना रेड चिल्ली पाउडर, और 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 1/2 चम्मच धनिया का पाउडर, और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सबको इस भाजी में डाल देंगे मसालों को, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पर ढक्कन लगा के इसको हम लोग 8 से 10 मिनट के लिए स्लो मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, भाजी का ही पानी छूटेगा तो इसमें ही वो कुक हो जाएगा। 8 से 10 मिनट इसको कुक कर लेने के बाद ढक्कन हटा के इसको एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही झटपट सी बनती है और बहुत ही मज़े की और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हुई तो कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर मैं आलू को चेक कर रही हूँ, ये आलू भी एकदम परफेक्ट सा पककर तैयार है। चलिए अभी इसको हम लोग सर्व कर कर ले लेते हैं। और आप इस पालक, मेथी, सोया और आलू की भाजी को रोटी के साथ में या दाल चावल के साथ में सर्व कर सकते हो। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हुई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।